एक बड़ी खबर सिवान जिले के भगवानपुर हार थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां ट्रेन से गिरने से महिला का दोनों पैर कट गया और इलाज के दौरान उस महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि भगवानपुर हाट महाराजगंज मसरक रेलखंड पर भगवानपुर हार थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर रेलवे हाट के समीप मंगलवार की शाम ट्रेन से उतरते वक्त गिरने से एक महिला यात्री का दोनों पैर कट गया। उसे इलाज के लिए सोजर पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए, जहां मंगलवार की देर रात उस महिला की वहीं मौत हो गई। मृतका की पहचान उत्तरी सागर सुल्तानपुर पंचायत के टोला माघर पोखरा निवासी श्रीकांत महतो की पत्नी विद्यावती देवी के रूप में हुई है। वहीं इस घटना के बाद स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मृतका के पति श्रीकांत महतो ने बताया कि उनकी पत्नी विद्यावती देवी अपनी पुत्री सुनीता देवी के साथ सिवान किसी मुकदमे में पैरवी के लिए गई हुई थी। लौटने के क्रम में दोनों सिवान से ट्रेन से घर लौट रहे थे कि इसी क्रम में करीब 7 बजे ट्रेन सुल्तानपुर हॉल्ट पर रुकी, जहां सबसे पहले उनकी पुत्री सुनीता देवी ट्रेन से उतर गई। अभी विद्यावती देवी ट्रेन से उतर ही रही थी कि अचानक ट्रेन खुल गई, जिससे वह लड़खड़ाकर वहीं गिर गई और उनका दोनों पैर कट गया। इसकी सूचना मिलते ही विद्यावती देवी को इलाज के लिए सिवान के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार करने के बाद उस महिला की हालत काफी गंभीर देखते हुए पटना रेफर कर दिया। अब उसका इलाज पटना के एक निजी अस्पताल में कराया जा रहा था, जहां इलाज के दौरान मंगलवार की देर रात उस महिला की वहां मौत हो गई। वहीं बुधवार की सुबह शव को अस्पताल से घर लाया गया तथा घटना की सूचना स्थानीय थाने को दी गई। पटना से बुधवार की सुबह जैसे ही विद्यावती देवी का शव गांव पहुंचा, स्वजनों के रोने से वहां का माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया। पुत्री सुनीता देवी रोते रोते बार बार बेहोश हो जा रही थी, उसे आसपास की महिलाएं संभाल रही थी। वहीं इस घटना के बाद मृतका के दरवाजे पर लोगों की काफी भीड़ एकत्रित हो गई। सभी स्वजन को ढनास बांध रही थी। ज्ञात हो कि मृतका के दो पुत्र एवं 4 पुत्री हैं। बड़ा पुत्र अजय कुमार अरुणाचल प्रदेश में मजदूरी करता है, तो वही छोटा पुत्र रंजन कुमार साउथ अफ्रीका में काम करता है। वहीं दूसरी बड़ी खबर भी सिवान जिले की भगवानपुर हार थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां पिकअप से धक्का लगने से स्कूटी पर सवार 2 शिक्षिका घायल हो गई। वहीं 1 शिक्षिका को रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि भगवानपुर हार थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के समीप बुधवार को पिकअप से धक्का लगने से स्कूटी पर सवार 2 शिक्षिका घायल हो गई। घटना के बाद चालक पिकअप लेकर भागने में सफल रहा। वह स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायल शिक्षिका को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां एक की स्थिति काफी गंभीर होने का चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया। आपको बता दें कि घायल शिक्षिका की पहचान दरौंदा थाना क्षेत्र के सतजोड़ा मठिया निवासी कुमारी किरण बाला एवं भगवानपुर हार थाना क्षेत्र के सहसराव निवासी पुष्पा कुमारी के रूप में हुई है। ये दोनों शिक्षिका मध्य विद्यालय ब्रह्मस्थान की बताई जा रही हैं। इसमें कुमारी किरण बाला की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि विद्यालय में छुट्टी होने के बाद दोनों शिक्षिका स्कूटी पर सवार होकर घर लौट रही थी। इसमें कुमारी किरण बाला स्कूटी चला रही थी तथा पुष्पा कुमारी पीछे बैठी हुई थी। इस क्रम में जैसे ही दोनों NH 331 पर जगदीशपुर गाँव के समीप पहुंची, तभी पीछे से आ रहे पिकअप ने स्कूटी में धक्का मार दिया, जिसमें दोनों शिक्षिका घायल हो गई। घटना के बाद चालक पिकअप लेकर भागने में सफल रहा। वही स्थानीय लोगों की मदद से दोनों शिक्षिका को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वही घटना की सूचना मिलते ही विद्यालय के शिक्षक अस्पताल पहुंचकर शिक्षिकाओं की देखरेख में जुट गए हैं।